बालवीर, पिछले दो घंटों से पृथ्वी पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है। कई हिस्सों से हरियाली अचानक अदृश्य हो गई है, जंगल सूख रहे हैं, सब जगह वीरान हो गई है। बालवीर, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है बालवीर, केवल दो घंटों में पृथ्वी पर से सारी हरियाली सूख कैसे सकती है? यही सच है परी, मैं भी आश्चर्यचकित हो गया जब मैंने अपनी आंखों से पर्यावरण मापक यंत्र में देखा, क्योंकि पेड़ और पौधे पृथ्वी लोक में सूखने लगे हैं। क्या बालवीर, ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमें तुरंत पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। रानी परी, ये तो पृथ्वी की 25% हरियाली सूख गई है। हाँ रानी परी, और जितनी तेजी से ये पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं, वो देखकर तो लगता है जैसे पृथ्वी लोक पर प्राण वायु बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। हाँ रानी परी, अगर प्राण वायु ही नहीं बची तो इंसान सांस कैसे ले पाएंगे? हाँ रानी परी, अगर यही हाल रहा तो पृथ्वी पे जीवन समाप्त हो जाएगा, एक भी इंसान नहीं बचेगा। आप सही कह रहे हैं रानी परी, सूखे विस्तारों में तो आने वाले खतरे का संकेत दिखना शुरू भी हो गया। लगता है पृथ्वी पर सचमुच अंत की शुरुआत हो चुकी है, हमें फौरन कुछ करना होगा। बाल परी, मैंने कोशिश की थी लेकिन सांस लेने के लिए तड़प रहे लोगों पर मेरा जादू काम नहीं कर रहा था। फिर तो जरूर उस महाविनाशनी का किया धारा होगा ये सब। नहीं, यह असंभव है विचार परी, क्योंकि अच्छी या बुरी किसी भी परी में प्रकृति के संतुलन को सुधारने की या बिगाड़ने की शक्तियां नहीं होती है। हाँ बाल परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस सब के पीछे किसी और मायावी शक्ति का हाथ लग रहा है, लेकिन परियों, इस सब के बारे में हम बाद में पता करेंगे। सबसे पहले हमें इन तड़पते हुए लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। गाल परी। जी रानी परी। आप परी बाग के वनों से जितना हो सके प्राण वायु को अपने गुब्बारों में भरकर पृथ्वी लोक में भेजिए, और खासकर उन विस्तारों में जहाँ पेड़ पौधे समाप्त हो रहे हैं, ताकि गुब्बारों के कारण वो लोग सांस ले सके। जो आज्ञा रानी परी। गाल परी के गुब्बारों के कारण हमें थोड़ा समय तो मिल जाएगा, लेकिन इस समय में हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर वो मायावी शक्ति है कौन जो पृथ्वी लोक की हरियाली को समाप्त कर रही है और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रही है। चलो, चलो। मोंटू, मोंटू, प्लीज छोड़ देना मुझे, मेरा जी घबरा रहा है। छोड़ूंगा, तुझे जरूर छोड़ूंगा, पर तेरे ये मासूम से चेहरे को थोड़ा कलर तो कर लो। देख मोंटू, छोड़ दे नील को, नहीं तो मैं बालवीर को बुलाऊंगा। बुला, बुला ना बालवीर जी को, किसने रोका है? हाँ बुला। ए मनीष, देख सबको पता है बालवीर जी आएंगे तो मैं उनके सामने मासूम बनने की एक्टिंग करूंगा और वो मुझे माफ कर देंगे। इसकी बात तो सच है, अब मेरा क्या होगा? और हाँ,
एक बात याद रख, इस नील के बाद तेरी बारी है। तू भी बड़ा उस दिन उछल उछल के बोल रहा था ना बालवीर जी को, सजा दो, अब मैं तुझे सजा दूंगा और उसका मजा लूंगा, समझा? अरे मोंटू बॉस, टाइम पास बंद करो और जल्दी से निशाना लगाओ इन पिद्दियों पर। मुझे भी दो चार फुग्गे मारने इन पिद्दियों पे। हाँ, मुझे क्यों मार रहे हो? नील को मारो ना, सही से निशाना लगाओ। हाँ हाँ, अरे मारो बॉस मारो। अरे ये मोंटू ऐसे क्यों रुक गया, जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। लेकिन उसका हाथ तो किसी ने नहीं पकड़ा, उसके आसपास तो कोई नहीं है। ये चाबुक कहाँ से आ गया? यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं है, ये तो अपने आप लग रहा है। अरे कैसे जादुई चाबुक है? छोड़ चाबुक तेरी, छोड़। समझ में नहीं आ रहा कि ये मोंटू एक्टिंग कर रहा है या सच में किसी ने उसको रोक के रखा है। अरे बॉस, नील को मारो बॉस। भागो यहाँ से और रावण की चमड़ी उतर जाएगी। भागो। मैं बच गया, मेरा तो मन मीठा हो गया। लगता है प्राणवायु की कमी के कारण बच्चे बेहोश हो गए हैं। मुझे जल्द से जल्द दालपरी के गुब्बारों से इन बच्चों को प्राणवायु देना होगा। Thank you.
आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ, थैंक यू बालवीर। थैंक यू बालवीर। हम क्या करें गालपरी? अलग अलग जगह पर लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं और हम सही समय पर वहां पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। इसमें भी समय बहुत व्यतीत हो रहा है गालपरी, हमें कुछ और उपाय ढूंढना होगा। हमें भी यही चिंता हो रही है बालवीर, पृथ्वी पर प्राण वायु तेजी से कम हो रहा है, ऐसे में गुब्बारे का उपाय क्षणिक है और इसीलिए हमें जल्दी से कोई स्थायी उपाय ढूंढना होगा बालवीर। हाँ गालपरी, स्थायी उपाय ढूंढने के लिए हमें उस मायावी शक्ति के पास पहुंचना होगा और उस मायावी शक्ति को ढूंढने के लिए हमें समय चाहिए। समय ही तो नहीं है हमारे पास बालवीर। गालपरी, आप अभी के अभी रानी परी के पास जाइए और उन्हें इस समस्या का कोई स्थायी उपाय ढूंढने के लिए कहिए। तब तक मैं लोगों तक प्राणवायु पहुँचाता हूँ और उस मायावी शक्ति को भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जी बालवीर, हम अभी जाते हैं। बस एक बार मुझे उस मायावी शक्ति के बारे में पता चल जाए फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो बस ऐसा लग रहा है कि पूरी लाइफ तुम्हारे की दिन में खाली जादू चाबुक ने तो मार मार के हमारा हालत ही खराब कर दी है। और बॉस ये आया कहां से? मुझे क्या पता। रोहित, मुझे लगता है हमारे सर से खतरा टल गया, चल बाहर चलते। मोंटू बॉस, मेरी सिक्स सेंस अभी भी यही कह रही है कि खतरा अभी भी हमारे पीछे है। बॉस, अरे बॉस, अब एक नंबर के फट्टू हो। फट्टू नहीं हूँ मैं तो तुझे प्रोटेक्ट कर रहा था, वो चाबुक तुझे लगी नहीं ना, इसलिए तुझसे मैं लिपट गया था। वैसे मैं डरता नहीं उस चाबुक से, आने दे उस चाबुक को। एक बार जब आएगा ना तो उसे पकड़ के तोड़ तोड़ के फेंक दूंगा। तूने मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को गीला किया। गलती से हो गया। गलती से? और मोंटू तुझे गलती से गीला नहीं करेगा। अरे मोंटू बॉस जाने दो, चाबुक जी आ गए ना तो लाल पीला नीला कर देंगे, उससे अच्छा गीला ही ठीक है। अरे चाबुक जी, आप क्यों आए? मतलब कौन हो आप, क्यों परेशान कर रहे हो हमें? मैं हूँ चाबुक चमचमाट, बालवीर ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए भेजा है। आप तो नजर रखते रखते थक जाओगे ना, तो मैं हूँ ना रोहित, मैं रखूंगा मोंटू बॉस पर नजर। बकवास बंद कर मोंटू के चमचे। और मोंटू तुम, बालवीर ने तुम्हें मना किया था ना कि किसी भी बच्चे को परेशान मत करना, फिर भी तुम नहीं माने। अब देखो मैं कैसे तुम्हारी सारी मस्ती सीधी करता हूँ। देखिए अब तक तुम रोहित को मारिए, मैं जरा जाके आता हूँ। मोंटू बॉस, अरे मोंटू बॉस, बॉस।
ये मैं कहाँ आ गई? बाप रे, इतना खतरनाक जंगल। तुम तो पृथ्वी से हो ना, तुम यहां कैसे पहुंच गई? वो मैं जानबूझ के आई नहीं, वो बड़ा पेड़ मुझे यहां खींच लेकर आया। अंकल, अब मैं जाऊं? ठहरो। अरे वाह, तुम तो मेरी खोई हुई चीज वापस ले आई। अब तो तुम्हारा स्वागत करना ही पड़ेगा। नहीं, 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 नहीं।